दिवाली के बाद हमें चूना डालना शुरू। और दूसरा चीज सर, यहाँ सर इधर पानी है, वहाँ भी घर वही है, बनाया जाता है सब बनाता है। देखिए मेन इसको खाली मत कीजिए, देखिए उसके चारों तरफ इतना चलिए वहाँ चलिए, सब नेट लेके छान देता है, इसे मच्छरदानी से करना पड़ेगा, इधर पूरा छिलाना भी रहता है सर, अभी हम लोगों ने तीसरे छठ तालाब का निरीक्षण किया है, हरलाल का किया, कठौतिया का करने जा रहे हैं हम लोग, और ये मेन छठ तालाब है। एक और तालाब था पुरैनी तालाब का निरीक्षण किया गया, हमारे साथ में अनुमंडल पदाधिकारी हैं और काजपालक पदाधिकारी नगर परिषद भी हैं। तो सफाई का काज प्रारंभ कर दिया गया है, 3-4 दिनों के अंदर ये पूरा पूर्ण तरह से सफाई का काज संपन्न कर दिया जाएगा, और विशेष निगरानी भी रखी जा रही है कि जो पड़े तालाब हैं उसमें गोताखोर वगैरह लगाए जाएं। ये सारा इंस्ट्रक्शन उपायुक्त महोदय की तरफ दिया गया है और उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में ही ये सारी जाँच प्रक्रिया चल रही है ताकि श्रद्धालुओं किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। क्या क्या निर्देश मिला है सर? छठ तालाब का इंस्पेक्शन करना था, उसके साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, बाथरूम वगैरह की सफाई, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति, ये सारे काज देखे जाने हैं। चूँकि चतरा जिला के श्रद्धालु छठ पर्व को लेकर बहुत ही यहाँ पे मान्यता रही है, हमने पिछले 2 वर्ष में जो देखा है कोविड गाइडलाइन के तहत भी हम लोगों ने उसका अनुपालन कराया है, और ख़ास करके यह छठ तालाब जो है इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है, इसके निमित्त हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों की, पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की है, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोताखोरों की भी यहां पे हम लोगों ने और साथ ही वॉलंटियर्स की भी यहां पे हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।